मुंबई से सटी थाने में कुछ दिन पहले नगर पालिका की एक महिला अधिकारी पर एक फेरी वाले ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में महिला अधिकारी की तीनों उंगलियां कट गई थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अवैध फेरी वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना रखा है। वहीं थाने महानगर पालिका ने भी अवैध फेरी वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाकर तोड़क कार्रवाई की थी। इस बीच थाने की घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी फेरी वालों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फेरी वालों की मस्ती पर कंट्रोल करना होगा, अब दया माया नहीं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। माँ बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। जी काही घटना दुर्घटना घडली ठाण्यामध्ये ती पाहिल्यानंतर आता काही ठिकाणी आपल्याला अत्यंत कठोरतेने आणि कडकपणाने कायदा राबवावा लागेल। तिकडे दया माया क्षमा दाखवता येणार नाही, दाखवू शकत नाही। आपल्याला आपल्या नागरिकांची आणि आपल्या खास करून माता भगिनी मग त्याच्यात पोलीस सुद्धा महिला आल्या आणि इतर सगळे अधिकारी आले, यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपल्यावर आहे आणि तिच्या बाबतीत कुठेही हयगय चालणार नाही। हा स्कायवॉकच नव्हे तर इतर ठिकाणी सुद्धा फेरीवाल्यांचा जर का उच्छाद असेल तर तो उच्छाद आटोक्यात आपल्याला आणावाच लागेल आणि त्या दिशेने आपल्याला काम हे करावंच लागेल। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।